Hello children, today we will learn forward and backward counting. Children, when we move ahead on number line, jab hum ahead means aage badhna, jab hum number line par aage badhte hain, ise hum forward counting kehte hain. When we move ahead in 0 to 10 direction, it is called forward counting. Jab hum 0 se 10 ki taraf aage badhte hain, इसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं. आओ देखो कैसे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सी, हम लोग 0 से 10 की डायरेक्शन में आगे बढ़े. दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग. यही आज हम अपनी नोटबुक में एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे. And children, when we go in reverse direction, reverse means जैसे आपकी पापा अपनी कार को रिवर्स करते हैं, जब गाड़ी आगे ले जाने की जगह नहीं होती तो आपके पापा अपनी कार को रिवर्स करते हैं, उसी रिवर्स कहते हैं. When we go in reverse direction, it is called back counting. See, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाएंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So now you have learnt forward counting is moving ahead and backward counting is going backward in 10 to 1 direction, and forward counting is going forward in 0 to 10 direction. So let's sing a song with me. First we will sing forward counting song. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Now back counting song. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फिर से हम forward जाएंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Now again back counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And children, when we go forward, we get big number. जब भी हम forward जाते हैं तो हमें big number मिलता है. देखो जो 2 है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 के पास 2 dots हैं और 1 के पास ओनली 1 डॉट्स है. 3 2 से 1 बड़ा है. क्यों? क्योंकि 3 के पास 1 डॉट ज़्यादा है. 4 3 से 1 बड़ा है. क्यों? क्योंकि 4 के पास देखो 1 2 3 4 4 डॉट्स हैं, 3 से 1 ज़्यादा है. 5 4 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि 5 के पास 1 डॉट ज़्यादा है 4 से. देखो 1 2 3 4 5. 6 5 से 1 बड़ा है, क्योंकि 6 के पास 5 से 1 डॉट ज़्यादा है. 7 6 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि 7 के पास 6 से 1 डॉट ज़्यादा है. 8 7 से बड़ा है, क्योंकि 8 के पास 7 से 1 डॉट ज़्यादा है. आप काउंट करके देखिए. और 9 8 से बड़ा है, क्योंकि 9 के पास 8 से 1 डॉट ज़्यादा है. और 10 9 से भी बड़ा है, क्योंकि 10 के पास 9 से 1 डॉट ज़्यादा है. ऐसा आप कर चुके हैं जब आपने बिग स्मॉल सीखा था. तो जब भी हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हमको नीचे जाने पर बिग नंबर मिलता है, क्योंकि नीचे जाने पर नंबर बिग भी होता है और उसके डॉट्स की पावर बिग होती चली जाती है. एंड बैक काउंटिंग में ऊपर जाने पर नंबर छोटा होता जाता है. ये देखिए आप लोग, 10 9 9 10 से 1 छोटा है, आप डॉट्स काउंट करके देख सकते हैं. एंड 8 9 से 1 छोटा है. एंड 7 8 से 1 छोटा है. 6 7 से 1 छोटा है, आप अपने डॉट्स बनाकर देखिए और काउंट कीजिए. 5 6 से 1 छोटा है, आप डॉट्स देखिए, इसके पास 1 डॉट कम है. एंड 4 5 से 1 छोटा है. एंड 3 4 से 1 छोटा है. 2 3 से 1 छोटा है. एंड 1
टू से वन छोटा है, तो बैक काउंटिंग में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा नंबर छोटा होता चला जाता है, एंड फॉरवर्ड काउंटिंग में जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा नंबर बिग होता चला जाता है। सो अगेन रिवाइज, फॉरवर्ड काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, और यही जब बैक हो जाएगी और ये बैक काउंटिंग बन जाएगी तब कैसे बोलेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फॉरवर्ड काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, then backward counting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो अब आप सीख चुके हैं फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 से 10 की तरफ जाने पर बिग नंबर मिलता है, और बैकवर्ड काउंटिंग में 10 से 1 की तरफ जाने पर हमें स्मॉल नंबर मिलता है, क्योंकि डॉट्स की पावर ऊपर जाने पर कम होती जाती है। इसीलिए बैकवर्ड काउंटिंग में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें स्मॉल नंबर मिलता है क्योंकि डॉट्स की पावर कम हो जाती है। तो अब तो आप सीख चुके हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग।